नमस्कार, मैं विजय कुमार सेन नव भारती स्टडी सर्किल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर एक बार हाजिर हैं लेकर के एक नया टॉपिक। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जो छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर के बड़े से बड़े एग्जाम तक के अंदर पूछा गया है। चाहे वो पीटीईटी का एक छोटा सा एग्जाम हो, चाहे कांस्टेबल का एग्जाम हो, या आरएएस और आईएएस का एग्जाम हो, छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर के बड़े से बड़े एग्जाम के अंदर अपना एक महत्व रखता है। आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं जहां से क्वेश्चन निश्चित बनते हैं, और वो क्वेश्चन जो है वो है राजस्थान की आपकी कला आपकी संस्कृति का एक टॉपिक, और नाम है उसका त्योहार। नाम है उसका त्योहार। जी हाँ, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। हमारा भारतवर्ष त्योहारों का देश कहा जाता है। यहां पर हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। यहां की कला संस्कृति त्योहारों के बिना फीकी है। अगर भारत देश में से त्योहारों को निकाल दिया जाए तो भारत देश सूना हो जाएगा। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे त्योहारों के बारे में। त्योहारों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको त्योहार जो मनाए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे कि त्योहार कौन कौन से मनाए जाते हैं। तो देखिए, त्योहारों का संबंध किससे है? धर्म से है। त्योहार जितने भी मनाए जाते हैं उन सभी त्योहारों का संबंध धर्म से है। ठीक है, कुछ त्योहार हमारे देश से भी जुड़े हुए हैं जिन्हें हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में भी कहते हैं, जो हमारे स्वतंत्रता हमारी गणतंत्रता उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन ज्यादातर जो त्योहार जुड़े हुए हैं वो हमारे धर्म और हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, और धर्म से जुड़े हुए त्योहारों को जानने के लिए हमें कुछ विशेष शब्दावलियों को जानना पड़ेगा, कुछ हमें धार्मिक महत्वों को, कुछ धार्मिक पहलुओं को देखना पड़ेगा। जैसे भारत एक ऐसा देश है जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं, जहां भाई भाई, यहां पर एक धर्म के लोग न रह करके सभी धर्मों का समावेश है। यहां पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, और सभी धर्मों के लोग यहां पर रहने के कारण यहां पर सभी धर्मों के अलग अलग त्योहार भी मनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म के त्योहार, जैसे मुस्लिम धर्म के त्योहार, जैसे जैन धर्म के त्योहार, जैसे सिख धर्म के त्योहार, जैसे ईसाइयों के त्योहार, ईसाई धर्म के त्योहार जिन्हें हम अंग्रेजी त्योहार भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदू धर्म के त्योहार। लेकिन हिंदू धर्म के त्योहार की बात करने से पहले हमें हमारा जो कैलेंडर है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कैलेंडर हम अभी काम में लेते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये हमारा हिंदू कैलेंडर नहीं है, ये हिंदी कैलेंडर नहीं है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन, अंग्रेजी कैलेंडर जिसे हम कहते हैं। जिस कैलेंडर को हम अभी काम में ले रहे हैं वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। जिस कैलेंडर को हम अभी जानते हैं वो है ग्रेगोरियन। जैसे अभी 2020 चल रहा है, 2020 चल रहा है, तो ये कौन से कैलेंडर में चल रहा है? ये ग्रेगोरियन कैलेंडर में चल रहा है। तो फिर सर हिंदू कैलेंडर कौन सा है, हम अभी बात करेंगे उस हिंदू कैलेंडर के बारे में। देखिए, अनेक राजा महाराजा हुए और अनेक राजा महाराजाओं ने अपने नाम से कई कैलेंडर चलाए, लेकिन भारतवर्ष में जो कैलेंडर जो प्रसिद्ध हुए वो दो कैलेंडर प्रसिद्ध हुए। नंबर एक, सबसे पहला कहलाता है
विक्रम संवत। सबसे पहला कहलाता है विक्रम संवत। अब विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत जो चलाने वाले थे वो थे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य। जो उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य, उन्होंने विक्रम संवत की स्टार्टिंग की। विक्रम संवत की स्टार्टिंग की, विक्रम संवत की स्टार्टिंग कब की, तो ये की 57 BC बिफोर क्राइसिस। ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले विक्रमादित्य जो कि उज्जैन के राजा थे उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की। बिफोर है, ठीक है। अच्छा, दूसरे संवत की अगर हम बात करते हैं, दूसरे उसकी बात करते हैं तो दूसरा जो है वो है शक संवत। दूसरा कौन सा है? शक संवत। शक संवत की बात करें तो शक संवत जो है वो कनिष्क, कुषाण राजा हुए कनिष्क। इतिहास में आपने पढ़ा होगा नाम कुषाण राजा। कनिष्क जो हुए इन्होंने 78 AD 78 AD के अंदर शक संवत की शुरुआत की। अब ये तो था 57 BC और ये है 78 AD। तो 57 BC और 78 AD। अब यहां से क्वेश्चन जो पुट अप होता है हम उसकी बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि विक्रम संवत कब शुरू होता है। तो विक्रम संवत शुरू होता है 57 BC। सिंपल सा क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है। या शक संवत शुरू होता है तो कब शुरू हुआ? 78 AD, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें क्वेश्चन को जब थोड़ा सा घुमाया जाता है, ठीक है, तो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि 2020 में, अभी 2020 में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है 2020 में कौन सा शक संवत चल रहा है। तो देखो यहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर विक्रम संवत कैसे फाइंड आउट करें, कैसे निकाले, शक संवत कैसे निकाले। तो सीधी सी बात है, एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। देखो ये है शक। जिंदगी में अगर आपको किसी के ऊपर शक होना तो उसको लाइफ से निकाल देना। जीवन में अगर आपको किसी व्यक्ति के ऊपर शक हो तो शक को निकाल देना, ठीक है। अगर आप विक्रम प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप विक्रम प्राप्त करना चाहते हैं तो शक को निकाल देना। तो देखो शक को निकाल देने का मतलब क्या है? शक, अब बात कर रहे हैं कि जीवन में अगर आपको किसी पर शक हो तो शक को निकाल देना, ठीक है। तो शक को निकाल देने का मतलब क्या है? शक को माइनस कर दो, ठीक है। अगर आप विक्रम प्राप्त करना चाहते हो तो जिंदगी में आपको बहुत कुछ ऐड करना पड़ेगा, जीवन में आपको बहुत कुछ अपने अंदर समावेश करना पड़ेगा। तो समावेश करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, मतलब यहां पर विक्रम संवत का मतलब है आपको ऐड कर दो। तो 57, जैसे अभी 2020 चल रहा है, अब 2020 में अगर मैं बात करूं ये 2020 एट टाइम चल रहा है और मुझे विक्रम संवत प्राप्त करना, तो मैंने कहा कि विक्रम को प्राप्त करने के लिए ऐड कर दो, आपको बहुत कुछ अपने अंदर जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 57 मैंने इसमें ऐड किए तो हमारे पास निकल के आए 7527 2077। तो विक्रम संवत कौन सा चल रहा है? 2077। शक को लाइफ से निकाल दो, ठीक है। अगर आपको शक संवत की कैलकुलेशन पूछी जाए तो शक संवत के लिए 78। देखो इसका भी कैलकुलेशन सर 5, 7, 7, 8 के साथ करें तो जीवन में, हमारे जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में 7-8 व्यक्ति तो ऐसे होते ही है जो शकी होते हैं, या तो वो हमारे ऊपर शक करते हैं या हम उन पर शक करते हैं। तो 7-8 व्यक्ति कितने हैं? 7-8, ज्यादा नहीं होते, बस 7-8 ही होते हैं, ठीक है। 7-8 को निकाल दो और 5-7 को ऐड कर लो, क्लियर। तो 7-8 को निकालेंगे मतलब 78 को निकालेंगे तो 78 को लेस करते हैं। ये मैंने लेस किया 78।
तो हमारे पास बच गया टू, इलेवन में से सेवन गए तो फोर, यहां बचा नौ और यहां बचा वन। तो अभिषेक संवत कौन सा चल रहा है? 1942, 1942 चल रहा है। एक तरह से देखा जाए तो अगर इसको हम तुलना करें ग्रेगोरियन से तो अभी तो हम आजादी नहीं हुई, लेकिन नहीं, ये शक संवत है 1942। ठीक है, तो शक संवत को हमने क्या किया? लेस किया। विक्रम संवत को हमने क्या किया? ऐड किया। अब बात करते हैं कि हमारा राष्ट्रीय संवत, ठीक है, तो ध्यान रखना हमारा राष्ट्रीय संवत की बात करें तो हमारा राष्ट्रीय संवत 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। हमारा राष्ट्रीय संवत 22 मार्च 1957 को अपनाया गया और ये शक संवत पर आधारित था। किस पर आधारित था? शक संवत पर। हमारा राष्ट्रीय संवत की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय संवत 22 मार्च 1957 को अपनाया गया और शक संवत पर आधारित था। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, डिपेंड करता है कि एग्जाम कौन सा है। अच्छा, ये शायद आ नहीं रहा क्लियर, तो 22 मार्च 1957 इसको आप नोट कर सकते हैं कि 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय संवत की शुरुआत हुई भारत में, आजादी के बाद अपनाया गया इसको। आगे बढ़ते हैं, अब जो हमारे त्योहार की हम जो बात कर रहे हैं तो हमारे त्योहारों में खास बात ये देखने को हमको मिलती है कि त्योहार जो है वो हिंदी कैलेंडर जो है वो हिंदी कैलेंडर के अनुसार आता है और उसमें एक चीज देखने को मिलती है, बोले भाई आज तिथि क्या हो गई, तो उसमें तिथि पूछी जाती है। ठीक है, अब तिथि पूछी जाती है तो तिथि की अगर हम बात करें तो हम तो तिथि मतलब तारीख जानते हैं और तारीख आज जो भी है, आज 10 तारीख हो गई, अब तिथि हमें पता नहीं। तो जो भी हमारे जो हिंदी कैलेंडर में जो त्योहार आते हैं वो एक तो आते हैं तिथि के अनुसार, ठीक है, एक आते हैं माह के अनुसार और एक आते हैं वर्ष के अनुसार। तो वर्ष तो मैंने आपको निकालना सिखाया कि विक्रम संवत कौन सा चल रहा है और शक संवत कौन सा, लेकिन तिथि और माह की बात करेंगे हम अभी। ठीक है, इसके अलावा इसमें होते हैं पक्ष, तिथि माह और इसमें होते हैं पक्ष, कौन सा पक्ष चल रहा है, ये पक्ष का क्या संबंध है? तो देखिए, ये दो पक्ष हैं, शुरू का पक्ष इसे कहते हैं कृष्ण पक्ष, शुरू के पक्ष को क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष, और बाद में जो पक्ष है उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। बाद में जो पक्ष है उसे क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष। ठीक है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 15 दिन इसमें होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, और 15 दिन ही इसके अंदर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, 15 दिन इसमें होते हैं और 15 दिन इसमें होते हैं। कृष्ण पक्ष में कितने दिन होते हैं? 15, और शुक्ल पक्ष में भी कितने दिन होते हैं? 15। प्रथम पक्ष कौन सा होता है? तो प्रथम पक्ष होता है कृष्ण पक्ष। द्वितीय पक्ष कौन सा होता है? तो द्वितीय पक्ष जो होता है वो होता है शुक्ल पक्ष। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इस टाइम पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए इसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण जी कैसे थे? तो कृष्ण जी काले थे, कृष्ण जी सांवले थे। ठीक है, तो सांवले थे कृष्ण जी, इसलिए इनको काली रात भी बोलते हैं, काली रात, और इसको बोलते हैं उजियाली रात।
उजियारी रात या उजाली रात, ठीक है। कृष्ण जी काले थे तो काली रात, और कृष्ण जी यहां पर कृष्ण जी का संबंध नहीं है तो ये गोरी रात या उजियारी रात, ठीक है, और ये शुक्ल पक्ष। तो हमने बात की। अच्छा, इसको एक चीज और कहते हैं, इसको कहते हैं बुधि। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं बुधि और इसको कहते हैं सुधि। व्यापारिक जो लोग हैं, जो अपने खाते बही जो बनाते हैं, तो उस व्यापारिक जो लोग हैं अपने खाते बही में बुधि और सुधि का प्रयोग करते हैं, बुधि और सुधि का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हमने बात की, इस पक्ष को प्रथम पक्ष कहते हैं, इस पक्ष को कृष्ण पक्ष कहते हैं। दोनों पक्षों में 15-15 दिन होते हैं। प्रथम पक्ष को कृष्ण जी ने जन्म लिया, इसलिए इसमें जो रात आती है उसे काली रात कहते हैं, और इस जो दूसरी रात है तो काली का अपोजिट गोरी कह सकते हैं, उजियारी कह सकते हैं, क्योंकि ये उजियारी रात होती है। शुक्ल पक्ष कहलाता है, सुधि कहते हैं, और द्वितीय पक्ष है। ये जो प्रथम पक्ष की शुरुआत है, इस प्रथम पक्ष की शुरुआत होती है पहली तिथि जो है, जिसे हम एक तारीख कहते हैं, ठीक है। एक तारीख को कहते हैं प्रतिपदा। क्या कहते हैं? प्रतिपदा। ध्यान रखना, दोनों पक्षों की शुरुआत प्रतिपदा से होते हैं। यहां पर भी पहली तारीख को क्या कहेंगे? प्रतिपदा। दोनों पक्षों में पहली जो तारीख है उस पहली तारीख को प्रतिपदा कहते हैं, ठीक है। इधर भी पहली तारीख प्रतिपदा, इधर भी पहली तारीख प्रतिपदा। दोनों पक्षों की शुरुआत पहली तारीख से होती है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें, यहां पर जो 15वीं तारीख है, प्रथम पक्ष की 15वीं तारीख जो है, इसको कहते हैं अमावस्या। प्रथम पक्ष की 15वीं तारीख जो है उसको कहते हैं अमावस्या, और द्वितीय पक्ष की जो 15वीं तारीख है उसे कहते हैं पूर्णिमा। द्वितीय पक्ष की जो 15वीं तारीख है उसे कहते हैं पूर्णिमा। अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूरज, चांद और सूरज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जबकि पूर्णिमा के दिन, सॉरी, अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूरज दोनों एक डायरेक्शन में होते हैं, जबकि पूर्णिमा के दिन सूरज और चांद दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। सर, कैसे होते हैं डायरेक्शन में? पूर्णिमा के दिन जब सूरज सनसेट होगा तो सनसेट पश्चिम में होगा, ठीक है, और उसी समय चंद्रमा का उदय होगा, और चंद्रमा का उदय होगा पूरब से। तो आपको सनसेट पश्चिम में हो रहा है, ठीक है, और चंद्रमा उदय हो रहा है पूरब में, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है इवनिंग के टाइम में। लेकिन अमावस्या की बात करेंगे तो अमावस्या को जो है, अमावस्या को सन सेट जो हो रहा है वो पश्चिम में हो रहा है, ठीक है, और जो चंद्रमा जो है उसका अराइज भी किधर हो रहा है? पश्चिम में हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वो हमें नजर नहीं आता, और नजर नहीं आने के कारण जब चंद्रमा नजर नहीं आता तो हम उसको अमावस्या कहते हैं, हम उसको काली रात कहते हैं। क्लियर? तो बात कहते हैं कि प्रतिपदा और अमावस्या की बात की हमने, बात की पूर्णिमा की, तो शुक्ल पक्ष की जो 15वीं तिथि है उसको कहते हैं पूर्णिमा, और कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तिथि है उसे कहते हैं अमावस्या। तो हमने दो पक्षों की बात की, प्रथम पक्ष कृष्ण पक्ष बुधि भी कहते हैं, और ये 15 तिथियां हैं। दोनों में 15 तिथियां सेम है। पहली तिथि को प्रतिपदा कहेंगे तो कृष्ण पक्ष में भी पहली तिथि को प्रतिपदा कहेंगे, और शुक्ल पक्ष में भी पहली तिथि को प्रतिपदा ही कहेंगे। प्रतिपदा भी कहते हैं, पड़वा भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहां पर इसको 2 कहते हो और उसको उधर 30 कहते हो, ऐसा नहीं है। केवल डिफरेंस है, तो 15वीं तिथि को लेकर गए, यहां पर 15वीं तिथि को अमावस्या कहते हैं और यहां पर 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। तो चलिए एक बार इसकी जो तिथियां हैं, हम एक बार इनकी तिथियों के नाम याद करते हैं, ठीक है, एक बार इनकी तिथियों को पढ़ते हैं। सबसे पहली जो तिथि है, पहली तिथि की बात कर रहा हूं, पहली जो तिथि है, इस पहली तिथि को हम कहते हैं प्रतिपदा या पड़वा। बोलचाल की लैंग्वेज में कहते हैं पड़वा, ठीक है, या प्रतिपदा। दूसरा है वो है द्वितीया,
या दोज, या दूज भी कहते हैं, है ना, जैसे भाई दूज, दोज या दूज। तीसरी जो तिथि है उसे कहते हैं तृतीया या तीज कहते हैं। चौथी जो तिथि है उसे कहते हैं चतुर्थी, इसको चौथ कहते हैं। पंचमी जो तिथि है उसे कहते हैं, पांचवी जो तिथि उसे कहते हैं पंचमी, और ये है पांचे। ए का साउंड निकलता है पांचे। छठ जो है इसको बोलते हैं षष्ठी, और ये कहलाती है छठ। इसको बोलचाल लैंग्वेज में छठ बोलते हैं। आगे है सातवीं जो तिथि है, चलो इसको ऊपर ले देते हैं, सातवीं जो तिथि है, सातवीं तिथि को कहते हैं सप्तमी। इसको कहते हैं सात। आठवीं जो तिथि है उसे बोलते हैं अष्टमी, उसे कहते हैं आठ है। नवी जो तिथि है उसे कहते हैं नौमी, और इसे नौमी कहते हैं। दसवीं जो तिथि है उसको दशमी या दस्य, दस्य कहते हैं। ग्यारहवीं जो तिथि है उसे कहते हैं एकादशी। या कहते हैं उसे ग्यारस। बारहवीं जो तिथि है उसे कहते हैं बारस। द्वादशी, और द्वादशी जो है उस द्वादशी को हम कहते हैं बारस। तेरहवीं जो तिथि है उसे कहते हैं त्रियोदशी। या उसे कहते हैं तेरस। चौदहवीं जो तिथि है इसको कहते हैं चतुर्दशी। चतुर्दशी, चतुर्दशी कहते हैं चौदस। पंद्रहवीं जो तिथि है, पंद्रहवीं तिथि को पंद्रस नहीं कहते, ठीक है। पंद्रहवीं तिथि अगर कृष्ण पक्ष की है तो उसे अमावस्या और अगर पंद्रहवीं तिथि शुक्ल पक्ष की है तो उसे कहेंगे पूर्णिमा। तो हमने बात की तिथियों के बारे में, हमने किसके बारे में बात की, तिथियों के बारे में बात की कि तिथियां जो है, ठीक है, वो तिथियां कुल 15 तिथियां होती है और 15वीं तिथि की जो कृष्ण पक्ष है उसको अमावस्या कहते हैं, ठीक है, और शुक्ल पक्ष जो है, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष जो है उसमें 15वीं जो तिथि आती है क्या कहते हैं, पूर्णिमा। अब हम बात करते हैं महीनों की और आगे बढ़ते हैं। ये हमने पहले पक्षों को जाना और पक्ष के बाद में अब हमने तिथियों के बारे में पढ़ा। तो तिथियां कितनी होती है, तिथियां होती है कुल 15। 16 तिथि कही जाती है क्योंकि 15 तो ये हो गई और इसको भी काउंट कर लेते हैं तो कितनी हो गई तिथियां, 16, ठीक है। जैसे श्राद्धों की संख्या होती है, श्राद्ध कितने निकाले जाते हैं, तो श्राद्ध ध्यान रखना श्राद्ध 16 होते हैं। श्राद्ध कितने होते हैं, 16। तिथियां कितनी होती है, 15। लेकिन जो कोई पितृ वगैरह, जो कोई व्यक्ति अगर
पूर्णिमा को अगर खत्म हुआ या अमावस्या खत्म हुआ तो अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक जो पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक का जो पीरियड है ठीक है तो उसमें पूरे 16 दिन काउंट करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना तिथियां पूरी 15 होती है लेकिन श्राद्ध 16 निकलते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं महीनों की ओर। तो महीनों की जो संख्या है महीने जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर में 12 महीने होते हैं वैसे यहां पर भी 12 महीने होते हैं ठीक। और ये जो 12 महीने हैं उनमें सबसे पहले आता है चैत्र जिसे कहते हैं चैत्र। चैत्र को क्या बोलते हैं चैत्र। दूसरा है वैशाख और वैशाख जो है उसको वैसाखी बोलते हैं वैसाखी बोलते हैं उसे। तीसरा जो है चैत वैसाख ज्येष्ठ ज्येष्ठ को जेठ भी कहा जाता है जेठ की दोपहरी। चौथा जो है चैत्र वैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ इसको बोलते हैं साढ़ का महीना आषाढ़ को साढ़ भी बोला जाता है। तो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ पांचवा महीना है श्रावण इसे बोलते हैं सावन इसे बोलते हैं सावन। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण चौथा पांचवा छठा महीना है वो है भाद्रपद। और भाद्रपद का जो महीना है उसे बोलते हैं भादवा। भाद्रपद का जो महीना है उसे बोलते हैं भादवा ठीक है। बहुत से मेले आप पढ़ोगे बहुत से त्योहार आप पढ़ोगे कि जो सावन भादवा जो है ये तो त्योहारों का सीजन है ठीक है। तो छह के बाद हम चलते हैं आगे की ओर चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन। इसको बोलते हैं कुंवार आसोज। अश्विन के महीनों को कुंवार भी बोलते हैं और आसोज भी बोलते हैं। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ भाद्रपद आश्विन कार्तिक कार्तिक इसको कार्तिक भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं कार्तिक भी कहते हैं ठीक है। तो आठवां महीना कार्तिक इसको क्या कहते हैं कार्तिक। अब आठवां महीना हमने कार्तिक जिसे हम कार्तिक भी कहते हैं। फिर आगे देखो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष। इसे कहते हैं मंगसर इसे मंगसर भी कहा जाता है ठीक है। फिर मंगसर के बाद पोष इसको पोष ही कहते हैं इसको ठीक है। फिर आगे है माघ जिसको शॉर्टकट में लोग माँ का महीना बोलते हैं ठीक है कि माँ का महीना है ठीक है। और फिर 12 नंबर का जो है वो है फाल्गुन। जिसको बोलचाल की लैंग्वेज में बोलते हैं फागण। क्या बोलते हैं फागण फागण या फाल्गुन फागुन ठीक है। तो ये 12 मंथ हमने पूरे पढ़े हमने तिथियों के बारे में जाना हमने पक्षों के बारे में जाना हमने कैलेंडर के बारे में जाना। तो ये हमने त्योहारों को जानने से पहले की जो बेसिक जो जानकारियां थी वो हमने पूरी की ठीक है। अब हम जो अगले वीडियो में जो लेकर के हाजिर होंगे उस अगले वीडियो में हम पहले महीने से शुरुआत करेंगे कि चैत्र के महीने से कौन कौन से जो त्योहार हैं वो आते हैं स्टेप स्टेप बाय स्टेप एक एक महीने के अंदर कौन कौन से त्योहार हैं
बिल्कुल बारीकी से हम पढ़ेंगे ताकि कोई भी त्योहार कोई भी टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से छूट न जाए। क्योंकि कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की ये गजल आज के एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि हम बार बार तैयारी करते रहे, अब वो समय आ चुका है कि हम बस एक बार तैयारी करें और हमें सफलता हासिल हो। तो बिल्कुल मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपका सिलेक्शन हो, बेस्ट ऑफ लक, और आप एक छोटा सा काम करें और वो है बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।